खून फ्रे दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौजवान मैं हूँ रहमान न्यूज़ ऑन के साथ और मुझे इतला मिली है कि जाहिद इकबाल वही जो इंग्लिश में फर कमेंट्री करता है और जो एक वेल्डर है और अनपढ़ है, लेकिन कमेंट्री करके उसने आप सबका दिल जीता हुआ है। आप सब उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे इतला मिली है कि जाहिद इकबाल को वायसेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और जिसके बाद जाहिद इकबाल जो है वो बहुत ज़्यादा रातों रात अमीर हो चुका है। वो स्विमिंग पूल में नहाता है, एंड्रॉयड मोबाइल उसने रखा हुआ है, उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज हो गई है, उसके बाल चेंज हो गए, उसके लहजा चेंज हो गया, उसके ग्लासेस चेंज हो गई है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। अब उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अमीरों वाला हो गया है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थी और मुझे जो है वो यकीन नहीं आ रहा था, तो मैं खुद चलकर वायसेंस कंपनी में आई हूँ और अब मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ कि क्या वाकई आपका अपना जाहिद इकबाल रातों रात इस कदर अमीर हो गया है। तो चलिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जाहिद इकबाल को देखने के लिए कि वो कैसा लग रहा होगा, तैयार हो गए, अमीर हो गए, उसके कैसे टशन होंगे। तो इस वक्त जाहिद इकबाल इस रूम में है, हम अंदर चलते हैं और जाहिद इकबाल से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम भाई। जाहिद तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज हो गई है, तुम्हारे बाल चेंज हो गए, तुम्हारी ग्लासेस बिल्कुल फिशर करा के तुम तो हीरो बन गए हो, क्या हुआ है? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद जो कंट्री पास मिसाले वाले इनने बहुत इज्जत दी, मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर? अच्छा जी, वो बनाया तो अल्लाह ने इज्जत दी है, तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चों का पूरी ज़िंदगी का स्कूल का खर्चा भी उठा रहा। अच्छा मुझे बताओ कि छोटी ईद पे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तुम्हारी बीवी भी बच्चे भी नाराज़ थे तुमसे, पैसे नहीं थे, अब बड़ी ईद में इतनी चेंजिंग आ गई है, रातों रात ही अमीर हो गए हो। ये बड़ी ईद का जो बड़ा तोहफा है ये कंट्री पस मिसाला है, इन्होंने दिया है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है पाकिस्तान में माशाल्लाह, इनके और भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आगे आगे आप देखते जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। तो बताओ कंट्री प्लस वाले तुम्हें क्या करते हैं, मतलब तुम तो कमेंट्री करते हो इंग्लिश में, तो तुम्हें कंट्री प्लस वाले किस लिए रखा हुआ है उन्होंने तुम्हें? जी ये छोटे छोटे इवेंट होते हैं उनमें ये क्रिकेट को भी अनपोर्ट करते हैं और ट्रॉफियां भी देते हैं, अपने नोवो भी देते हैं, जो इनका यानी कि स्टिकर लगाना चाहता है उनको ये प्रपोर्ट करते हैं और उसका मैं एम्बेसडर बना। ऐनक उतार के अब अपने फैंस को अपनी कमेंट्री तो सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारी कमेंट्री के बहुत ज़्यादा फैंस है। Yes, in Pakistan, coach, Namisba, in the bowling coach, Wecker Yunus, the Pakistan batsmen and problem in the second T20. England is good win and Moeen Ali, Chris Jordan, great bowlings. And the Pakistan precious sides. And great team and one man is good batting, Babar Azam sleeper. And a lot of best men and no performance Pakistan. Thank you. Very good. PSL ki commentary karke sunao. Yes, and Peshawar Zalmi dismisses again Multan Sultan and first time. And the title wins. Yes, Multan, unbelievable. The captain, Mohammad Rizwan, is a good championship and season 6 and champion is Multan Sultan. अच्छा जाहिद मुझे ये बताओ कि पहले वाली कमेंट्री में और अब वाली कमेंट्री में तुम्हारा फर्क आ गया, तुम्हारी इंग्लिश जो है वो पहले से बेहतर हो गई है, तो क्या कंट्री क्लब वाले तुम्हें इंग्लिश भी सिखा रहे हैं? जी वो मुझे एकेडमी में इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा जो मेरी गलतियां हैं वो सुधारेंगे और इनको बता देंगे कि आप ठीक जगह पे आ गए। जी नाज़रीन मैं आपको यहाँ से दोबारा से बताती चलूँ, कंट्री प्लस जो है वो एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई है जिनमें मसाला आ जाते हैं, कस्टर्ड आ जाते हैं, शरबत आ जाता है, चार आ जाता है, कैचअप आ जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले जो है इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं और अब उन्होंने जाहिद इकबाल को लॉन्च किया है। तो इस वक्त कंट्री क्लब के ऑनर मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर जाहिद इकबाल में इतनी चेंजिंग कैसे और क्यों आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे नाज़रीन को दे दीजिए। मेरा नाम ताहिर फारूक है, सीईओ कंट्री प्लस फूड फैसलाबाद, 9 किलोमीटर झांग रोड। ऐसा है कि जाहिद महमूद को मैंने लास्ट टाइम सोशल मीडिया के ऊपर देखा और मैंने जहाँ पे भी इसके इंटरव्यू देखे तो वहाँ पे मुझे फील आया कि बंदा तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इसकी जो ड्रेसिंग है, जो इसका हुलिया है, जो इसके घर के हालात हैं, वो इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि ये आगे निकल सके। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मेरी कंपनी कोशिश करेगी इंशाल्लाह कि हम जाहिद महमूद को प्रमोट भी करेंगे और इसके जो माशी हालात हैं वो
भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए करता तो सब कुछ अल्लाह है, लेकिन चूंकि एक बंदा एक ज़रिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी से, मैंने अपने बाकी सीईओ से बात की, तो उन्होंने कहा जी ज़रूर हम ज़ाहिद महमूद की जो माशी हालात हैं इनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनमें चेंज आए। और कंट्री प्लस फूड ने लाइफ टाइम के लिए ज़ाहिद महमूद के किचन के लिए मसाला जात फ्री कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके दो बेटे हैं, दोनों बेटों की जो स्टडी है वो कंट्री प्लस की तरफ से लाइफ टाइम फ्री है, जहाँ तक वो पढ़ना चाहें कंट्री प्लस इंशाल्लाह इनको पूरा सपोर्ट करेगा। अगर ये ज़ाहिद कंट्री प्लस के साथ ब्रांड एम्बेसडर रहता है तो कंट्री प्लस इंशाल्लाह इसको जल्द अज़ जल्द रहाइश भी देगा। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि इतना कुछ आपने ज़ाहिद इकबाल के लिए किया है, तो ऐसा क्या देखा आपने ज़ाहिद इकबाल में? बेसिकली ये पाकिस्तान का टैलेंट है, हम अपने जैसे मैं एक बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सफाई निसफ ईमान है, और हमारा जो निसफ ईमान है वो सड़कों पर रुल रहा होता है। तो ये ऐसे लोग जो बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं कर सकते और इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता जिसकी वजह से ये आगे जाके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ये सारी उम्र जॉब पे ही रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा बंदा है जिसके अंदर स्किल्स तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन इसको साथ चलने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम, मैं आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह अगले भी कोई इंटरव्यू आए एक साल बाद दो साल बाद, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़ाहिद महमूद जो है वो मेरे साथ ही होगा इंशाल्लाह, और हम इसको इंशाल्लाह इसकी फैमिली को ज़रूर कोशिश करेंगे कि सपोर्ट करें कंट्री प्लस फूड की तरफ से। अच्छा मुझे ये बताइएगा ज़ाहिद इकबाल जो है वो अपनी फील्ड का बंदा है, वो कमेंट्री करता है इंग्लिश में और लोग इससे जो है वो बहुत ज़्यादा मनूस होते हैं, बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, तो आपकी कंपनी में इसका मेन किरदार क्या होगा? मीन्स कि ये कौन सी पोस्ट में, कौन सी डेस्टिनेशन पे आपके कंपनी में काम करें? देखिए अभी तो ज़ाहिद जो है वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है, ये हमारी प्रमोशन करेगा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान के ग्राउंड्स के अंदर, और कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वहाँ पे भी इनको कंपनी की तरफ से भिजवाया जाए और ये कंट्री प्लस को और पूरे पाकिस्तान को दोनों को प्रेजेंट करें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिद इकबाल का पहले भी कहना यह है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसकी हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वक्ती तौर के लिए होता है, उसके बाद जो है वो इसका सहारा बनना छोड़ देते हैं, ये फिर दोबारा से बेरोज़गार होकर फिरने लग जाता है। तो अब आपने अगर इससे कोई वादा किया तो वो कहाँ तक निभाने का इरादा है आपका? मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सस्ती शोहरत के लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं लेकिन उसके बाद काम नहीं करते, तो इसके लिए मैं ये आपको बताता हूँ कि ज़ाहिद इकबाल जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्रिकेट मैचेस में ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो क्रिकेट के अंदर हैं, कमेंट्री के अंदर हैं। मैं कोशिश करूँगा PSL के जितने मैचेस हैं उनमें इनको अपनी कंपनी की तरफ से भिजवाऊँ, और ताकि ये खुद वहाँ से कमा भी सके और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके अपने बच्चों का खुद पेट पाल सके, ये नहीं कि ये आज यहाँ पे कल अगले दर पे और उसके बाद फिर तीसरे दर पे चला जाए और ऐसे ही ये फिरता रहे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़ाहिद जो है वो हर जगह से कुछ ना कुछ कमा के निकलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी कंपनीज भी जो हैं वो भी इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर बनाएँ, जहाँ पर आप एक अच्छी एक्ट्रेस को लेते हैं वहाँ पर आप इस एक्टर को भी लें, आप इस स्किलर पर्सन को भी लें जो बहुत ज़्यादा स्किल्स रखता है, और इंशाल्लाह कोशिश करेगा ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा मेरे ख्याल में बाकी लोगों से। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फैंस है, तो क्या ये अब सोशल मीडिया पे हमें नज़र आता रहेगा, चैनल्स वगैरह पे नज़र आता रहेगा, या यहाँ स्टेक हो जाएगा? अच्छा ये मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ये बिल्कुल रुक जाए, मैं चाहता हूँ ये आगे से आगे बढ़े। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैंने इससे पहले बात की है कि हम इसको एकेडमी भेजेंगे ताकि ये अपना और फ्यूचर में जो काम करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जिसका पैशन इसके अंदर है, उस पैशन के मुताबिक ये आगे चले ताकि आगे जाके ये कामयाब शख्स ही रहे, यहाँ से ये नाकाम होकर वापस ना चला जाए। जी बिल्कुल ठीक। ये थे ताहिर फ़ारूक, सीईओ ऑफ कंट्री प्लस, और मेरे साथ इस वक्त ज़ाहिद इकबाल भी मौजूद है, और इनकी ज़िंदगी जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रातों रात बदल गई है, इनके टच और इनकी बातें, इनकी हर चीज़ जो है वो बदल गई है। अब ये बिल्कुल यो इंग्लिश मैन बन गए हैं, इंग्लिश भी बड़ी फर बोलने लग गए हैं, इंग्लिश के वर्ड्स भी बहुत अच्छे बोलने लग गए हैं। अच्छा मुझे बताओ जो बातें इन्होंने कही है सच्ची है ना? बिल्कुल सच्ची है, ये बहुत दिल के साफ है माशाल्लाह। और मुझे कह रहे हैं कि जो आपको इंग्लिश थोड़ी सी कटवट होती है उसको अकेडमी भेजेंगे, आपको पूरी इंग्लिश पॉपुलरली इंशाल्लाह यहाँ से पूरी इंग्लिश कमेंट्री बना के भेजेंगे। तुम्हारे लिए कोई उस्ताद वगैरह रखा है इन्होंने? जी अभी तो मेरा ये दाखला देंगे इंशाल्लाह ताला, तो मुझे पूरा अब तुम पढ़ने लग जाओगे, दोबारा से स्कूल जाया करोगे? नहीं नहीं, मुझे ट्रेनिंग देंगे ना इंग्लिश की, जो मेरी गलतियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी, फिर मुझे वर्ल्ड सतह पे सोना जाएगा। खुश हो ना? हाँ इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मर्जी से होना। जी जी।
अच्छा इरा, मैंने इनको ये भी कह दिया है कि इंशाल्लाह हम जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो इंशाल्लाह हम इनके साथ फाइनली एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाएंगे, वैलिड एग्रीमेंट होगा जो कि इंशाल्लाह इसकी ज़िंदगी में एक इसका तहफ्फुज़ होगा। क्या बात है जी, क्या बात है। कंट्री प्लस को हमारी तरफ से भी बहुत ज़्यादा खराज तहसीन है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट को उठाया और ऐसे टैलेंट को प्रमोट किया, और ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि इसे परमानेंट स्पॉट भी कर रहे हैं, और इसके ख़ानदान का जो है वो रोज़ी रोटी का वसीला भी बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर तमाम लोग जो है, तमाम कंपनीज जो है वो सोचने लग जाए तो कोई भी टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का ज़ाया ना जाए, कोई भी टैलेंट जो है वो बेकार ना जाए, और इस तरह ही के टैलेंट से जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। अच्छा शायद अपने फ़ैन्स को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? जी मैं अपने फ़ैन को ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, जहाँ मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ। ये तो शायद इकबाल, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।